एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक न्यू प्रेस डोमेन पे हम अपना वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे एक पेड थीम लेके हम उसको वर्डप्रेस में इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम पूरी एक वेबसाइट को वर्डप्रेस में रन कर सकते हैं, कैसे उसके जो रिक्वायरमेंट जो भी प्लगइन्स हैं उसको हम इंस्टॉल करेंगे। सो मैंने अभी यहाँ पे एक प्रेस डोमेन ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, 99designtrend.com करके मेरा डोमेन है, इसको मैंने आज ही परचेज किया है और अभी रिसेंटली इसको एक्टिवेट भी कर दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सबसे पहले आ जाना है होस्टिंगर में, जो भी आपका होस्टिंगर का अकाउंट है उसमें आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ होम में आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, एक बाकी की मेरी सब वेबसाइट है। सो यहाँ से मैंने जो डोमेन परचेज किया है वो है 99design। अगर आपको भी डोमेन परचेज करना है तो आप यहाँ डोमेन्स में जाएंगे और यहाँ से गेट ए न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको डोमेन चाहिए उसका नाम लिख के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी परचेज कर लिया है और अब यहाँ से हम कैसे देखेंगे कि कैसे हम इसमें एक अच्छा सा अपना वर्डप्रेस जो है उसको इंस्टॉल करके उसको कैसे कम्प्लीटली हम रन कर सकते हैं। अगर आपको भी डोमेन या तो फिर होस्टिंगर से कुछ परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर उस कोड का आप यूज़ करके परचेस करते हैं तो जो ये मेरी थीम है जो मैंने ऑलरेडी ये परचेस की है वो थीम में बिल्कुल आपको फ्री में दूंगा और उस थीम के जितने भी प्लगइन्स है पूरा सेटअप आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। सिर्फ आपको मुझे मेल करना होगा कि आपका जो भी एफिलिएट लिंक है वहाँ से मैंने ये होस्टिंगर का प्लान जो है वो परचेस किया है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन न्यू डोमेन। तो सबसे पहले आपको यहाँ से मैनेज में जाना है, मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे करना है ऐड न्यू वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक करेंगे जो भी आपने होस्टिंगर का। सो यहाँ से आपको सबसे पहले आपका अकाउंट सिलेक्ट करना है, यहाँ से कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद क्रिएट अ वेबसाइट और माइग्रेट अ वेबसाइट। अगर आपको किसी दूसरे वेबसाइट के साथ माइग्रेट करना है तो भी आप यहां से कर सकते हैं। हमें करना है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, यहां से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां से सिलेक्ट करना है वर्डप्रेस नीड एक्सपीरियंस मोर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस या तो फिर बीइंग फ्रेंड नो कोडिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो भी आप यहाँ से ये होस्टिंग और वेबसाइट बिल्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करें क्योंकि 99% जो वेबसाइट है वो अभी वर्डप्रेस में रन हो रही है। ठीक है, या तो फिर यहाँ से अदर प्लेटफॉर्म, अगर आपने कोई स्क्रिप्ट बाय की है या तो फिर अगर आपने कोई कोड कैनन से कोई थीम परचेज किया है तो भी आप वर्डप्रेस से कर सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज आपकी कोई थीम है तो भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक दूसरा ट्रेंड डिज़ाइन करके उसमें मैंने यहां पे पीएचपी का पूरा कस्टमाइजेशन ये वेबसाइट बनाया हुआ है तो यहां से मैंने ये इंस्टॉल किया था। आपको यहां से भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी रिलेटेड टू डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन के रिलेटेड अगर आपको थीम चाहिए, ठीक है, थीम चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, प्लगइन्स चाहिए, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी। प्रिंट के रिलेटेड, मोबाइल के रिलेटेड, एनिमेटेड अगर आपको आइकन्स चाहिए तो वो भी आप यहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे मुझे ये एनिमेटेड आइकन चाहिए तो आप यहां से इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। तो ये भी एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना हो फ्री में आपकी वेबसाइट में रखना हो तो आप रख सकते हैं। ये वर्डप्रेस में नहीं बनाया हुआ है, ये लारावेल का पूरा पीएचपी का सीएमएस सिस्टम है, वहाँ से मैंने ये इसको बनाया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं और अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो
तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी देना है और यहाँ से आपका पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। ऐड प्लगइन टू योर वेबसाइट, आपको कोई इसमें से अगर प्लगइन ऐड करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ से करना है स्किप आई विल मैनेज प्लगइन लेटर, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है विच लुक डू यू प्रिफर, कौन सा आपको लुक यहाँ से चाहिए। स्किप आई विल टेम्पलेट लेटर, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है चूज अ डोमेन, कौन से डोमेन पे आपको वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ से कर दिया 99designtrend.com। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, योर डोमेन नेम 99, इंस्टॉल CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस और एडमिन ईमेल आईडी ये है। फिनिश द सेटअप, यहाँ से हम जैसे ही फिनिश द सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी 1% इंस्टॉलेशन है, 2% इजी कोलोब्रेशन विथ योर पार्टनर, SSL इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, जो SSL है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म से डोमेन परचेज किया है तो उसके भी रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने GoDaddy से लिया है या तो फिर नेमचिप से लिया है तो उसको कैसे पॉइंट आउट करना है, उसमें कैसे नेम सर्वर चेंज करना है, वो भी आपको मेरे इस चैनल पर ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एडिट योर वेबसाइट, स्टार्ट बिल्ड योर वेबसाइट विथ वर्डप्रेस राइट अवे, गो टू होस्टिंग और कंट्रोल पैनल। तो यहाँ से मैं करूँगा एडिट माय वेबसाइट, तो जैसे एडिट माय वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 99designtrend.com वर्डप्रेस एडमिन post.php। सीधा ही हमें अगर डायरेक्ट पोस्टिंग करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे वर्डप्रेस में, ये बाय डिफॉल्ट जो एक पोस्ट होता है वर्डप्रेस का वो आ गया है। यहाँ से हमारी वेबसाइट को हम देखेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। 99designtrends.com ये हमारा वेबसाइट है। माइंड ब्लो अ ब्लॉग अबाउट फिलोसॉफी हेलो वर्ल्ड, ये बाय डिफॉल्ट जो थीम इंस्टॉल होती है वर्डप्रेस की वो हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से हमें सेटअप करना है। अभी SSL एक्टिवेट नहीं हुआ है, SSL एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। SSL में जाएंगे, SSL में जाने के बाद यहाँ पे वेब टूल ट्रेंड डिज़ाइन ट्रेंडिंग सर्च डॉट वेब, इंस्टॉल फ्री SSL यहाँ पे क्लिक करेंगे, चूज ऑप्शंस, कौन से डोमेन पे आपको SSL इंस्टॉल करना है। तो 99designtrend.com पे हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, लाइफ टाइम SSL 0 SSL। अगर आपने होस्टिंगर से डोमेन परचेज किया है तो आपको लाइफ टाइम SSL यहाँ पे फ्री मिलेगा। फेल्ड हो गया है, यहाँ से जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से री इंस्टॉल SSL करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 24 hours, कभी कभी 5 मिनट में हो जाता है, कभी कभी 24 hours लगते हैं, मोस्टली 99.9% 5-10 मिनट में SSL इंस्टॉल हो जाता है। हम रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ है, सो हो रहा है। सो ये है पूरा वर्डप्रेस, और ये है होस्टिंगर में हमने कैसे एक न्यू फ्रेश डोमेन पे कैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम वर्डप्रेस में यहाँ पे अपना बेसिक सेटअप है वो आपको करूँगा दिखाऊँगा। सबसे पहले अगर आप वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में यहाँ पे जनरल में जाना है। जनरल में आपके आपका साइट टाइटल, यहाँ से आपको आपका स्लोगन देना हो तो भी यहाँ से देख सकते हैं, दे सकते हैं हम। जैसे वर्डप्रेस URL, यहाँ से साइट एड्रेस आपको देना हो, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है परमा लिंक में।
परमालिंक में यहाँ पे आपको दे देना है जो भी हम पोस्ट करें वो पोस्ट नेम ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आपको कर देना है सेव। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे डिस्कस में। डिस्कस में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोस्टिंग सेटिंग अलाउ लिंक नोटिफिकेशन अदर कमेंट कमेंट ऑथर मस्ट बी फिल आउट नेम एंड ईमेल यूज़र मस्ट बी रजिस्टर एंड लॉग इन ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट पोस्ट सो कमेंट कुकीज अनेबल थ्रेट एनीवन कैन पोस्ट कमेंट कमेंट हेल्ड फॉर मॉडरेटर, ठीक है। यहाँ से आपको ये अकाउंट एड करना है, सो उतार करना है। यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट उतार का सेट करना है, सब बाय डिफॉल्ट ही रखना है। अलाउ पीपल टू सबमिट अ कमेंट ऑन न्यू पोस्ट, यहाँ से आपको अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम द अदर ब्लॉग पिंग बैक एंड ट्रांसफर, इसको आपको निकाल देना है, वरना आप जो भी पोस्ट करेंगे वो बार बार आपके ईमेल पे मैसेज आता रहेगा कि ये यहाँ पे पोस्ट हुई। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, यहाँ पे इसको निकाल देंगे। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंकेड टू फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। और इसको यहाँ से कर देंगे सेव चेंज, ठीक है। ये दो सेटिंग करने हैं। यहाँ राइटिंग में जाना है, राइटिंग में आपको मेल सर्वर सब डिफॉल्ट रहना है। रीडिंग में जाना है, योर लास्ट पोस्ट इन स्टैटिक पेज, ठीक है। डिस्कस मीडिया, मीडिया में चले जाएंगे, ये सब बराबर है। जनरल सेटिंग में जाएंगे, सब कुछ बराबर है। सो ये है वर्डप्रेस का वेलकम स्क्रीन। अभी जो करंट लेटेस्ट वर्जन है वो 6.1.1 वर्जन है, ठीक है। अब यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे थीम्स। अभी बाय डिफॉल्ट ये तीन थीम है, एक्टिव 2023, 2021, 2022। ये बाय डिफॉल्ट जो थीम आती है ये वही थीम है। हम यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलती है, अगर आपको एक्स्ट्रा यूज़ करना है, मोस्ट ऑफ लोग एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये थारी सारी थीम है। मैं यहाँ पे जो थीम यूज़ करने वाला हूँ वो मैंने परचेज की हुई है कोड कैनन से। अगर आपको भी वो थीम चाहिए तो आपको मेरे अफिलिएट का जो लिंक है होस्टिंगर का, वहाँ से आपको होस्टिंगर परचेस करना होगा, डोमेन परचेस करना होगा। तो मैं आपको वो जो मेरी थीम है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, ठीक है। सो यहाँ से हम ऐड करेंगे ऐड न्यू थीम और अपलोड थीम, ऐसे चूज पे जाएंगे और यहाँ पे मैं जाऊँगा 99 डिज़ाइन ट्रेंड। यहाँ पे मैंने ये थीम परचेस करके रखी हुई, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल नाउ, अभी ये इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे इसको एक्टिवेट। ये जो है मेरी एक्टिवेट हो गई है। एक्टिवेट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे इसका पेंसिल डिज़ाइन मोर आइटम बाय पेंसिल डिज़ाइन पे आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से इंपोर्ट डेमो पे जाएंगे। और यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे अपना पासवर्ड। सो SSL जो है वो हमारा एक्टिवेट हो चुका है, हम देख रहे होंगे यहाँ पे लॉक का सिंबल आ चुका है। ये हमारी थीम जो हमने डाली है वो भी हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। अब थीम में हमें यहाँ पे इसके जो अलग अलग डेमोज रहते हैं वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स, जैसे सबसे पहले रिक्वायर जितने भी इसके प्लगइन हैं वो सब आपको इंस्टॉल कर देने हैं। 12 प्लगइन जो है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। एलिमेंट्रो पेज बिल्डर भी इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरे इसके कुछ प्लगइन हैं जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और रिटर्न टू रिक्वायर प्लगइन इंस्टॉलर, सारे प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। इंपोर्ट डेमो डेटा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो ये सारे इसके डेमो हैं। अगर आपको भी ये थीम चाहिए तो आप मेरे दिए गए एफिलिएट लिंक के थ्रू होस्टिंग को परचेस कीजिए। मैं आपको ये सारा डेमो और ये थीम प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी थीम्स हैं।
मेरा जो टॉपिक है वो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड टॉपिक है। सो मैं इसमें जो ये ब्लॉग मेरा है, जो मेरा नीच है, वो पूरा डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है। तो मैं उसके जैसा यहाँ पे डेमो देखूँगा जो पेंटिंग के रिलेटेड हो, डिज़ाइनिंग के रिलेटेड हो, पेंटर ब्लॉग इस तरह का कुछ हो सकता है। ये वाला पेट के रिलेटेड है, पेट ब्लॉग फोटोग्राफी के रिलेटेड है, सभी टॉपिक के रिलेटेड। कोई भी आपका नीच हो तो इसमें आपको यहाँ पे रेडमी डेमो डेटा मिल जाएंगे। सो यहाँ से मैं अभी सेलेक्ट करने वाला हूँ, वो देख लेता हूँ मैं यहाँ से अभी कौन सा हो सकता है मेरे टॉपिक के हिसाब से। बहुत सारे इसमें अलग अलग डेमो है, हर एक टॉपिक के रिलेटेड, राइटर के रिलेटेड है, गेम गेम न्यूज़, ठीक है। मुझे जो चाहिए वो यहाँ पे ग्रैप न्यूज़पेपर, उस तरह का डेमो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। सो आप भी अगर ये थीम चाहिए तो जैसे मैंने कहा उस तरह से आपको करना पड़ेगा, और फिर मुझे आप मेल कर सकते हो जैसे ही कंफर्म होगा होस्टिंगर से कि आपने मेरे अफिलिएट लिंक के थ्रू इसको परचेज किया है। तो ये पूरा जो सेटअप है थीम का वो मैं आपको मेल कर दूंगा। सो आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि अफिलिएट लिंक के थ्रू ये पूरा परचेज करना है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से आपको दिखाने के लिए, सारे डेमो जो है बहुत ही प्रोफेशनल है, आपको सिर्फ आपका टॉपिक सिलेक्ट करना है। वायरल करके है, वेडिंग के रिलेटेड है, 24 न्यूज़ मैगज़ीन करके भी है, यहाँ पे इसमें ऐड का भी ऑप्शन दिया है, ठीक है। बहुत सारे डेमो है इसमें, सो आप देख लीजिए, परचेज कीजिए होस्टिंग पे। और ऐसे ही ब्लॉगिंग के वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो आपके रेफरेंस आपको काम में, ऐसे में कंटेंट डालता रहता हूँ। मैं वेबसाइट के रिलेटेड, ब्लॉगिंग के रिलेटेड, या तो फिर कस्टम कोडिंग के रिलेटेड, अभी इसी चैनल में आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे दूसरे गूगल ट्रेंड के रिलेटेड, आपको कैसे वेबसाइट डेवलप करना है, ट्विटर ट्रेंड के रिलेटेड कैसे वेबसाइट डेवलप करना है, उसका सारा कोड बिल्कुल फ्री में दिया है। इसी चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, और कौन सी वेबसाइट पे कैसे बैकलिंक बनाने हैं, ठीक है, सर्च इंजन में कैसे टॉप पे अपने हमारे वेबसाइट को हम ला सकते हैं, बैकलिंक कैसे जनरेट करना है, स्पैम स्कोर कैसे कम करना है, और दूसरे जो भी वेबसाइट जो ट्रेंडिंग में रहते हैं उन्होंने कौन सी ऐसी ट्रिक की हुई है, वेबसाइट स्टडी में पूरा करता रहता हूँ कि कौन सी वेबसाइट पे किस तरह से वर्क हो रहा है तो इतना ट्रैफिक उसमें जनरेट हो रहा है। तो सभी ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं इसमें अपलोड करता रहता हूँ, तो आप ज़रूर इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अभी मुझे उतना कोई डेमो परफेक्टली जो है वो मिल नहीं रहा है, ये अच्छा है शायद, देख सकते हैं सॉलिड क्लासिक, ठीक है, ये वाला डिज़ाइन शायद अच्छा रहेगा क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है वो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है। मैं इसमें जो पोस्टिंग करने वाला हूँ वो पेंटिंग्स और डिज़ाइन के रिलेटेड जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है उस तरह के टॉपिक में इसमें डालने वाला हूँ। एक तो ये मुझे अच्छा लग रहा है क्लासिक, और दूसरा भी मैं देख लेता हूँ इसमें अगर कोई से काम का कोई मिल जाए डेमो। इस डेमो पे मेरी एक ऑलरेडी वेबसाइट है, अगर आपको देखनी हो तो यहाँ पे मैं डालूँगा वेब डिज़ाइन ट्रेंड्स डॉट टूडे। देखिए ये जो अभी करंट यहाँ पे ये आप डेमो देख रहे हैं, ये वाला फैशन ब्लॉग 3, तो इस पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये वेबसाइट बना के रखा हुआ है, और इसमें मैंने पोस्टिंग भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ ये डेमो आ रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे सो यहाँ पे इस तरह से कुछ
डेमो आपको देखने को मिल जाएगा।